नमस्ते दोस्तों, ये केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर, हो सकता है पीरियडिक टेबल करें या तो कोई फिजिकल केमिस्ट्री का करें, कुछ थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो देखा जाएगा कौन सा चैप्टर करेंगे इसके बाद। फिलहाल अभी कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग ये देखने वाले हैं इसकी डिफिनीशन, इसकी कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, किस मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कंडीशन देखेंगे, नेसेसरी कंडीशन। देन टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, दो टाइप का होता है, एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन में ये देखेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से, फिजिकल स्टेट देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये सब विस्कोसिटी देखेंगे, कंपाउंडों को कंपेयर करेंगे विस्कोसिटी को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट डिफिनेशन इसकी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्या इसको कैसे डिफाइन, अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि बाइंड होता है, विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन हो सकता है। तो इसका डिफाइनेशन आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन इसका आप देंगे सिंपल सा, ये क्या होता है, इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, जिसके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ये वर्ड ध्यान देना है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक इसके बिटवीन होता है हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन होता है। जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे आपका हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कुछ होते हैं क्लोरीन के मैंने, लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन आपको याद करना है। हाइड्रोजन अगर फोन से बाइंड है और क्लोरीन भी याद कर लीजिएगा, तो वो वहाँ होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसने दिया था, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हो। लैटिमर एंड रोडेवस ने दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, डेफिनेशन आपको पता होगी। अच्छा, ये ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये एक मतलब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये सिर्फ एग्जिस्ट करेगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता है, आयनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड में ही एग्जिस्ट होती है, और इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, ये सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल या पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा बेटर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होती है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होती है, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में नहीं होती है, आयनिक में तो वैसे ही नहीं होती है। और एक चीज़ और, ये वेरी बिग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी बिग बॉन्ड होता है, सोचो ये वैन डर वाल फोर्स से वीक नहीं, वैन डर वाल फोर्स से स्ट्रांग होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड से तो बहुत ही वीक होता है, ऐसा नहीं आयनिक बॉन्ड बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है लेकिन इतना भी वीक नहीं है, वैन डर वाल से स्ट्रांग है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है इसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इसका देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोई भी एक्स इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जो कि अटैच्ड है किससे, एक्स इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जो कि अटैच्ड है हाइड्रोजन से, फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन है, एनसीईआरटी आपकी लिख रखी है, डॉटेड लाइन से यहाँ पे वाई एलिमेंट अटैच है,
वाई एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है आपका, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट इसमें दोनों में आपको ये बताना है कॉस जो डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है, जो पूरी कंप्लीट लाइन है वो। तो ये आपका जो है ये वाला ये डॉटेड लाइन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। सीधा सा याद रखना है, हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन से या क्लोरीन से, तो वहाँ उस कंडीशन में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो मतलब आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन डेफिनेशन तो आपको पता होगी ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मीन्स फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। नाउ ये क्या होगा और इसके बारे में आप ध्यान देंगे, ये नॉट फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड, नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड में ये फॉर्म नहीं होता है, पता होना चाहिए। किसी भी आयनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं पाई जाएगी, मतलब वही नहीं होगी, आप बोल सकते हैं नहीं होगी। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली फाउंड इन किसमें, ओनली फाउंड इन, ओनली फाउंड इन कोवलेंट कंपाउंड। और अच्छा कौन सा कोवलेंट, पोलर की नॉन पोलर, तो पोलर, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड, नॉन पोलर में नहीं, पोलर में, पोलर कोवलेंट, कोवलेंट में तो होता ही होता है, लेकिन पोलर कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। थर्ड थिंग, बहुत वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत वीक होता है, लेकिन उतना भी वीक नहीं किससे स्ट्रांग होता है, वांडरवाल फोर्स से स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी वीक, हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी वीक बट स्ट्रॉन्गर देन वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल वीवीएफ का मतलब वांडरवाल से स्ट्रांग होता है। और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को आल्सो नोन एज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं क्या, आल्सो नोन एज, जिसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये, ठीक है। तो फोर पॉइंट आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ध्यान देने हैं, कौन कौन से, ये क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है, नॉट फॉर्म्ड हो आयनिक कंपाउंड में, बनता नहीं है, ये ओनली फाउंड होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड में, ये वेरी वीक बॉन्ड होता है, लेकिन हाँ वांडरवाल फोर्स से स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं, इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। कंडीशन क्या है किसमें पाया जाएगा, तो हम लोग पूरे ऊपर ही लिख लिए हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अच्छा वो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम किससे अटैच रहेगा, किस बॉन्ड कौन सा फोर्स रहेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो। अब कंडीशन देखते हैं, जो कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो कंडीशन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन तो कंडीशन क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन कोवेलेंटेड बॉन्डेड होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से। पहली कंडीशन आपकी ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ, बॉन्डेड नहीं कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ, कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाईली ई एन एलिमेंट। हाईली ई एन एलिमेंट मतलब वही, बस आपको हाईली ई एन एलिमेंट में फोन याद रखना है, फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड एक एक दो मॉलिक्यूल क्लोरीन का भी देख लेंगे। एक कंडीशन होगी, पहली कंडीशन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की स्मॉल होनी चाहिए, जो एटॉमिक साइज होगी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से उसकी स्मॉल होनी चाहिए एटॉमिक साइज। अच्छा अब अगर मैं ऑर्डर एटॉमिक साइज की बनाऊँ इस फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में,
तो इसका एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा, चूंकि पीरियड में डाउन द ग्रुप ग्रुप में पीरियडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज होगी नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की, सबसे कम होगी फ्लोरिन की। ये साइज का ऑर्डर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर होगी जब साइज स्मॉल होगा, साइज जितना स्मॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी बेटर। तो इसीलिए अभी हम लोग देखेंगे एच एफ में फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन से ऑर्डर होता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर आप देखेंगे और इस चीज़, और हाँ, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें लिख देता हूँ इस चीज़ को ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड कंडीशन ये हो गई, और एक चीज़ और, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी ध्यान देना है। स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव जितनी ज़्यादा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरिन की होती है इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर देखा जाए, ई एन का ऑर्डर देखा जाए, सबसे कम नाइट्रोजन की, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन की, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन ही अटैच रहेगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा। साइज की अगर इस साइज से देखना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो साइज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो स्ट्रेंथ होती है साइज, साइज जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम, और इलेक्ट्रोनिगेटिव तो उससे समझ गए होंगे आप। ठीक है, सिंपल सा कर लेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए और ज़्यादा क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें कंडीशन हो गई। कंडीशन आपको ध्यान रहेगा कि क्या कंडीशन रखना है, कंडीशन उससे ऊपर डिफिनेशन में भी हम लोग देख लेते हैं, फिर यहाँ अलग से आप देखेंगे। हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, से कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए हाइड्रोजन, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो मतलब थ्री या थ्री के, थ्री से ज़्यादा या थ्री के इक्वल होनी चाहिए। जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे आप, तो फ्लोरीन का फोर होता है, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, वो ठीक है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आप ये बताएंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा किससे, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तभी होगा। चलिए अब टाइप पे आते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये दो टाइप का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल होता है तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में ही होता है, एक ही मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड हो है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है। तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर चलते हैं इंट्रा वाले पे। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कंडीशन क्या है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बिटवीन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो। ठीक, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, जो बिटवीन मॉलिक्यूल हो रही है, ये बिटवीन मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल रहेगा, ये मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये आपका मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन अगर हो रही है, या सेम कंपाउंड के बिटवीन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे होमो इंटर मॉलिक्यूलर। अगर सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे होमो, होमो मीन्स सेम, नाम से पता चल रहा है, होमो इंटर मॉलिक्यूलर, होमो इंटर मॉलिक्यूलर।
और डिफरेंट क्या हो रहा है, हेटरो, तो हो जाएगा आपका हेटरो इंटरमॉलिकुलर, हेटरो इंटर मॉलिकुलर। होमो और हेटरो आपका जैसे होमो मॉलिकुलर मतलब कि सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, तो होमो इंटरमॉलिकुलर अगर देखें, होमो इंटरमॉलिकुलर का एग्जांपल देखें अगर, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे होमो इंटरमॉलिकुलर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल एग्जांपल ही मैंने, डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन उसका नेम में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। तो जैसे एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एच एफ मालिक्यूल या वाटर मालिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका होमो इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एच एफ अटैच होता है यहाँ पे, आपका एच एफ मालिक्यूल है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मालिक्यूल है, तो नेक्स्ट जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बिटवीन ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर डॉटेड लाइन दिख रही है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो डॉटेड से फ्लोरीन से अटैच होगा हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन से अटैच रहेगा फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन से डॉटेड से अटैच रहेगा हाइड्रोजन, तो ये आपका इंटर होमो इंटर मालिक्यूलर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम मालिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है कौन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आपका ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे आप वाटर का एग्जाम्पल है, एच एफ के साथ अलावा एच एफ के बिटवीन हो रहा है, वाटर के बिटवीन भी होमो इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो वाटर में अगर आप बनाएंगे तो ऑक्सीजन से अटैच रहेगा आपका ये हाइड्रोजन, और ये डॉटेड से अटैच रहेगा ये आपका जो डॉटेड वाला है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है हाइड्रोजन, फिर अगेन इससे ऑक्सीजन, फिर इसे डॉटेड से अटैच रहेगा हाइड्रोजन, फिर अगेन इससे ऑक्सीजन, ऐसे आपका हो जाएगा इंटर होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल। वाटर और एच एफ एग्जांपल याद रखेंगे बस होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। अच्छा, हेटरो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल, जैसे वाटर और अल्कोहल के बिटवीन जो वाटर और अल्कोहल के बिटवीन बॉन्डिंग होती है, वाटर अल्कोहल के बिटवीन जो एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल इनके बिटवीन जो होगा वो होगा हेटरो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप देखेंगे इसमें बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगी, अल्कोहल है आर ओ एच, सिर्फ डॉटेड से अटैच रहेगा, वाटर ऑक्सीजन का वाटर का ऑक्सीजन है, फिर ये रहेगा इसका हाइड्रोजन, फिर इसका हाइड्रोजन, ये आपका हो जाएगा हेटरो इंटर मॉलिक्यूलर। सिंपल सा, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो हेटरो इंटर मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो होमो इंटर मॉलिक्यूलर, नाम में ही है ना, इसमें इतना दिमाग क्या लगाना, इंटर मॉलिक्यूलर हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे इधर इंट्रा मॉलिक्यूलर वाला देख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर तो हो गया, अब हम देखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, तो यहाँ हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से पता चल रहा है कि ये होगा एक ही मॉलिक्यूल के बिटवीन होगा, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस विथ इन ए मॉलिक्यूल। तो इसमें आप ये बोलेंगे जब व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस विथ इन ए मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर में क्या था, डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल था, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है तो वो हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे जैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड के बिटवीन, जैसे कि आर्थोनाइट्रोफिनाल, सैलिसिल्डिहाइड, आर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है, इन सब में क्या हो जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो एग्जांपल के लिए आप इसमें नोट डाउन कर लेंगे, एग्जांपल के लिए नोट डाउन क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, नोट डाउन करने के लिए मैं कभी नोट डाउन करने का कोई मतलब नहीं निकलता ना, अभी कभी जस्ट साथ में ही हो जाएगा काम तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो इसमें हो जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ बनेगा ए ओ एच आपका, और आर्थो पे एन ओ टू रहेगा, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर ये सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन अटैच है,
ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है OH के बिटवीन, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल हो जाएगा जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल, एक बार देख लीजिए आप लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं मेन इसके अप्लीकेशन पर, ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम पूछेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा स्ट्रांग है, किसकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ है कम है, तो यहाँ पे नोट करके आप इसको देख लेंगे। जो स्ट्रेंथ का अगर बात करें इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर में, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में स्ट्रेंथ की कंपेयर करें, तो इस जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन इंट्रा की होती है, तो ये भी ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटर, क्या लिख गया, इंटर इंटर इंट्रा नहीं भाई साहब, इंटर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, देन इससे वीक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका हो जाएगा, मतलब जब कभी कभी पूछता, मान लीजिए HNA का पूछा तो ठीक है वहाँ पे सिंपल सा वो सबको याद भी रहता है, बट ये रेयरली ही मतलब पता रहता है कि इन दोनों में कौन सा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। और एक चीज़ और, इंट्रा में भी एक इम्पॉर्टेंट है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, अगर मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के आर्थो डेरिवेटिव में होती है, मेटा और पैरा में नहीं होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक और यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप, और जहाँ टेक प्लेस इन द, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा उसको, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नोट करके लिख देता हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस ओनली आर्थो डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड। आर्थो डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड जैसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली पाया जाएगा आपका आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो फ्लोरोफिनाल, ठीक है, सैलिसिलडिहाइड में भी जो आपका CHOOH से CHO लगा रहेगा आर्थो पे ही लगा रहेगा, ये बात होगी ना। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ का एग्जांपल लिख देता हूँ, आर्थो नाइट्रोफिनाल तो हो गया, सैलिसिलडिहाइड में भी होता है, सैलिसिलडिहाइड में भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये देखिए आर्थो पे है ना, OH के आर्थो पे CHO लगा हुआ है, आर्थो फ्लोरोफिनाल, आर्थो फ्लोरोफिनाल आर्थो डेरिवेटिव होना चाहिए तभी होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो आर्थो फ्लोरोफिनाल फिनाल इसके आर्थो में फ्लोरिन, तो इन सब में इंट्रा मॉलिक्यूलर हम लोग आर्थो नाइट्रोफिनाल तो देख लिए हैं। चलिए अब हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन देखते हैं मेन, अभी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से हम लोग सॉलिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी वाटर में कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होता है वाटर में ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गेट डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, अगेन ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुल जाता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड सॉलिबिलिटी का जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी का होगा, उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी। तो ठीक है, फर्स्ट जो हो जाएगा आपका सॉलिबिलिटी हो जाएगा, तो सॉलिबिलिटी में हम लोग पहले यही देखेंगे, सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी पहले तो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका डिजॉल्व होता है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द, नहीं, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन द वाटर,
एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी रहेगा, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। वाटर में डिजॉल्व हो जाता है क्यों? क्योंकि वाटर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर जितना ज़्यादा रहेगा या स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी, सॉल्युबिलिटी उतनी, सॉल्युबिलिटी उसमें उतनी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी। ठीक, अब कुछ देखते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जो कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर में डिजॉल्व होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ, इसका कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड और ग्लूकोज फ्रक्टोज सब, ठीक, डिजॉल्व इन द वाटर जो कि पोलर होता है, अभी ऑर्गेनिक नहीं है, पोलर इनऑर्गेनिक है, ठीक है। नॉन पोलर में जैसे आपका एल्कोहल हो गया, ये डिजॉल्व होता है वाटर में ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होता है। ऐसे ग्लूकोज आपका हो गया, कोई भी ग्लूकोज फ्रक्टोज, वो डिजॉल्व होता है वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं डिजॉल्व होते हैं, तो जो नहीं डिजॉल्व होते हैं जैसे कीटोन, कीटोन एल्केन और ईथर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है। वहीं डाई मिथाइल ईथर वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि डाई मिथाइल ईथर वाटर में सॉल्युबल है। डाई इथाइल ईथर पार्शली सॉल्युबल है क्योंकि इसमें हिंड्रेंस यानी बल्कि ग्रुप से होता है, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, मैं ईथर, डाई मिथाइल ईथर और मेथेनॉल में सॉल्युबिलिटी का कंपेयर करूँ कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्युबिलिटी, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का कंपेयर करते हैं हम लोग। अगर एक है आपका डाई मिथाइल ईथर यानी CH3O CH3, ये आपका डाई मिथाइल ईथर हो गया। दूसरा वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेथेनॉल CH3OH, इन दोनों में अगर सॉल्युबिलिटी आप बताएंगे तो हम लोग अभी देखेंगे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब स्ट्रेंथ और नंबर से मतलब है, तो अल्कोहल में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से होगा, ईथर में उतना अच्छे से नहीं होगा, तो ठीक है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी मिथेनॉल की, देन डाईमिथाइल ईथर की होगी, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपका हो गया सॉल्युबिलिटी का पहला एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया ना। सॉल्युबिलिटी में आपको बस नहीं ध्यान देना है, कोई भी एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन द वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजॉल्व होता है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कुछ एग्जांपल, जैसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में जो डिजॉल्व हो रहा है, जैसे वाटर एल्कोहल, वाटर और ग्लूकोज, ठीक है, वाटर और ग्लूकोज एग्जांपल। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन विस्कोसिटी पे, तो विस्कोसिटी का कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो विस्कोसिटी अगर हमको कंपेयर करना है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी या कंपाउंड की विस्कोसिटी को, तो विस्कोसिटी जिस मॉलिक्यूल में या जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड रहेगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा बोल सकते हैं, एसोसिएटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे कि एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं CH3OH मेथेनॉल का, CH2OH और CH2OH, इसमें विस्कोसिटी का ऑर्डर बताना होगा। तो विस्कोसिटी का जो ऑर्डर आएगा आपका, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी थर्ड वाले कंपाउंड की होगी, देन सेकंड वाले की, और सबसे कम विस्कोसिटी फर्स्ट वाले की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एसोसिएशन है, हाइड्रोजन में एसोसिएट हो रहा है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, वो थर्ड में ज़्यादा है, देन सेकंड में, और सबसे कम फर्स्ट में। अच्छा, वाटर और एल्कोहल और ईथर में कंपेयर करना हुआ विस्कोसिटी का, तो मान लीजिए मुझे वाटर है एक कंपाउंड, पहला वाला वाटर है, दूसरा वाला एल्कोहल है, कोई भी तीसरा वाला ईथर है, कोई एल्कोहल क्यों ले रहे हैं, हम ले रहे हैं मिथेनॉल यहाँ पे CH3OH, और यहाँ पर डाईमिथाइल ईथर CH3O CH3,
इन तीनों में विस्कोसिटी अगर बतानी होगी, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होगी किस में, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वाटर में, देन मिथेनॉल में, और सबसे कम ईथर में, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, देन एल्कोहल में है मतलब मिथेनॉल में आपका, देन लास्ट में आएगा डाईमिथाइल ईथर। तो ये आपका विस्कोसिटी का ऑर्डर हो जाएगा वाटर, एल्कोहल और ईथर में, ठीक है। तो विस्कोसिटी आप ऐसे कंपेयर कर लेंगे, और यही सेम टू सेम ऑर्डर सरफेस टेंशन का भी होगा। तो यहाँ आप विस्कोसिटी के साथ साथ यहाँ पे सरफेस टेंशन भी लिख लीजिए, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, एंड विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड का, उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। तो दोनों के लिए यही ऑर्डर होगा, यही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी सरफेस टेंशन भी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड की सरफेस टेंशन भी आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, बीपी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हम कंपेयर करेंगे, वोलेटिलिटी सही है, वोलेटिलिटी हाँ, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे इंपॉर्टेंट सब है, ऐसा नहीं कुछ नहीं कि जो नहीं छोड़ने लायक है, ठीक है। तो तीनों के तीनों वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। हाँ एक ही, और वोलेटिलिटी उल्टा हो जाएगा, मतलब जिस भी मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। तो थोड़ा सा भी ध्यान देना है, अगर जिस मॉलिक्यूल का आपका एम पी बी पी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। अगर एम पी बी पी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वोलेटिलिटी आपकी कम। अब अगर हम कंपेयर करें वाटर, वही वाटर याद भी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एल्कोहल और ईथर, वाटर मिथेनॉल और ईथर, कोई भी वाटर एल्कोहल, वाटर एल्कोहल और ईथर हो, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी या बॉइलिंग पॉइंट वाटर की, देन एल्कोहल की, देन ईथर की, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। क्यों रीज़न देंगे, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, वाटर देन एल्कोहल है, और सबसे कम ईथर में है, तो ये हो जाएगा। कुछ कंपाउंड का आप जैसे अमोनिया वाटर और एचएफ, अमोनिया वाटर और एचएफ में अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करेंगे तो अमोनिया वाटर और एचएफ में सब ज़्यादा जो हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वाटर का हो जाएगा, देन एचएफ का, देन अमोनिया का होगा। तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का आप बना सकते हैं। जैसे अच्छा ग्रुप 15 में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट का, ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन फैमिली है आपका, उसके हाइड्राइड को अमोनिया NH3, फास्फीन PH3, SBH3 और ASH3, ठीक है। अब इसमें अगर हमको क्या बनाना हो, इस मॉलिक्यूल का आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना हो, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनेगा, बीबी का जो ऑर्डर बनेगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है SBH3 की, और इसे बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे जब हम निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा SBH3 की ठीक होगी, क्योंकि इसका मल्टीपल वेट सबसे ज़्यादा है। देन होनी चाहिए किसकी, ASH3 की, लेकिन होती किसकी, अमोनिया की। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया में। उसके बाद आपका आएगा ASH3, मतलब कम है इसका अमोनिया से, और सबसे कम आएगा किसका, सबसे कम आएगा PH3 का। ये थोड़ा सा ऑड ऑर्डर मिलता है कि अमोनिया के बीच में रहा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। SBH3 का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, होना चाहिए था NH3 का सबसे कम, लेकिन बीच में आ जा रहा है क्योंकि क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इस प्रकार से आप निकालेंगे। ऐसे आप ग्रुप 16 में जाएंगे तो वाटर, चलिए ठीक है, वो आप जब पी ब्लॉक हम लोग करेंगे वहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे इतना आप ध्यान दें रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका आ जाएगा फिजिकल स्टेट, जो कि लास्ट होगा, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम फिजिकल स्टेट भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का बता सकते हैं। जैसे वाटर लिक्विड है, जबकि मतलब ऑक्सीजन फैमिली का एक हाइड्राइड वाटर है और एक H2S है, ये लिक्विड है और H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वाटर लिक्विड है। क्यों, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका गैस है। क्यों, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल,
HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और HCl। HF जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, जबकि हाइड्रोजन क्लो सॉरी 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 गैस नहीं है, ये लिक्विड है। HCl गैस है। क्यों क्यों लिक्विड है भाई साहब? HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया।